तो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं कुछ इस तरह की जगह पर, और आप देख सकते हो वहां पर ना हम फोटो खिंचा रहे थे वहां पर ना, यहां से नीचे बाइक खड़ी है वहां पे। तो दोस्तों आज से लगभग 2 साल पहले हमने यहां पे एक फोटो खींची थी अमित भाई के फोन से, और आज हम इसी जगह पे आ रहे हैं। और हम जब भी यहां मैच खेलने आते हैं गोदी आश्रम, तो हम इस जगह जरूर आते हैं, हमारा सबसे फेवरेट प्लेस है भाई। अभी चलते हैं यहां से वापसी ऊपर को चले। हां चलो, तो चल। कहां चढ़ गए पहाड़ों में फोटो खिंचाने के लिए? अब कैसे आए तू? कैमरे भयंकर की अरे ओ भाई। तो फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं। क्या हुआ? 500 का नोट गेंद रेस करना है कहां पे? हेमंत कुछ कहना चाहते हैं हमको बताओ। तो दोस्तों ये जो सफर है हमारा मोहन से यहां तक का बहुत ही शानदार रहा है, और इससे भी आगे अच्छा शानदार और होगा, क्योंकि हम जाने वाले हैं मंदिर में और भगवान के दर्शन करेंगे, और संतोष भाई संजू भाई के शादी के कुछ कार्ड लाए हैं उन्हें भी हम देंगे। बाइक निकलते हैं यहां से, चला दो बोलो बैठ बोलो। हेलो बब्बी। अरे चुगम के लोग बब्बी मिल गए। तो दोस्तों हमारे गांव में हमारे गांव की लड़की है, हमारी फ्रेंड, और सफर में देखो, और दोस्तों यही मेरा नैनियाल भी काट के नाम है हमारी दीदी। कार्ड देने थे अचरौन में यार, भाई के शादी के, मेरी मम्मी ने बोला उनको दे देना, तुम दे दोगे? अभी घाम लागो, बताया भी नहीं तूने, तू यहाँ रखे तो गया। मैं तू कब आ गई थी? दोस्तों हमने एक सामने खाने पीने के लिए गाड़ी रोक दी। संतोष भाई कुछ कहना चाहोगे? भाई अभी हम एक काम करते हैं, आज के ब्रेकफास्ट में खाते हैं छोले। दोस्तों तो मैं हिमालय पर्वत के दर्शन कराता हूँ यहाँ से, जूमिंग कर देगा। तुम्हें तो अभी हमें लग चुकी है भूख, हमने ब्रेकफास्ट नहीं करा, तो अभी हम जा रहे हैं मैगी खाने के लिए। कैसा लग रहा है आज घर पे ब्रेकफास्ट नहीं हो रहा? आज मजा आ रहा है संतोष। कुछ मसाला 3 मैगी है। हाँ। ये चाउमीन मैगी यार, मैगी तो रोज खाते हैं यार। अंकल जी चाउमीन हाफ कितने की है? चाउमीन हाफ कितने की है? 20 की हाफ। सो गाइस फाइनली अभी हम रुके थे भवानी काल के सामने, और यहाँ से देख रहे हो इस हेवन में हम खाएंगे अभी चाउमीन। और आप ये चेक करो एक बार भाई, मौसम वेदर चेक करो भाई, और हमारे साथ हमारे क्रिएटर साहब। सो गाइस फाइनली अभी चाउमीन आ गई है। अभी हम पहुंच चुके हैं वहां से पैदल आए यहाँ तक रोड से भाई, और बाइक हमारी वहीं खड़ी है। पाँव में दर्द हो रही है भाई। तो भाई अब देख लो यहाँ पर कितना अच्छा व्यू है यार। हेमू पहुंच चुका है, कुछ कहना चाहता है भाई? मजा आया? भाई हम इस इधर से आए ना, इधर से नीचे से लोकेशन चेक करो एक बार आप, बट अ नाइस व्यू यार। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं मंदिर के सामने, अभी हमको ना उस वाले मंदिर में भी जाना है वहां पर। अभी तो हम इस वाले मंदिर पे जा रहे हैं, तो वहां पर जा पाएंगे नहीं जा पाएंगे, वैसे कोशिश पूरी है कि वहां तक तो हम जाएंगे ना। और यहाँ देख रहे हो कितना अच्छा लग रहा है घास वास ये भाई, बहुत चढ़ाई है कसम से भाई। कोई अनट्रेंड बंदा आएगा ना जो चढ़ाई नहीं चढ़ता है, उसकी बस का कुछ ना है भाई। अभी हम पहुंचने वाले मंदिर के सामने, लोकेशन तो वहाँ बहुत अच्छी है भाई। हो भाई मेरा सांस फूल रहा है, और व्यू देखो भाई एक बार आप यहाँ से देखो, अभी ऊपर जाएंगे ना और भी अच्छा व्यू दिखेगा भाई। है गुजरीकोट का मंदिर, और मानना चाहता कि इसमें ना बहुत सारी शक्तियाँ हैं, जो यहाँ पर सच्चे दिल से अगर तमन्ना मांगते ना भाई तो उसकी वो पूरी होती है। और गाइस यहाँ पर ना सब लोग नाम लिखते हैं अपना अपना, देख रहे हो PARK क्या लिखा है, कस कबली। तो गाइस अभी हम मंदिर में पहुँच चुके हैं, लेकिन मंदिर आज बंद क्यों है देख रहे हो भाई? हे भगवान जय हो प्रभु। और गाइस यहाँ पर ना मंदिर बंद कर रखा है, यहाँ पर पूरा तारा लगा रखा है चैन से, और मंदिर कुछ इस तरह दिख रहा है। ये एक मंदिर और यहाँ पे छोटा सा, और यहाँ पे घर वर है, मतलब जब भंडारा होता है ना तो यहाँ पर खाना वाना बनाते हैं, या फिर हलवा हलवा बनाने के लिए ना बैठने के लिए भी, एक बैठने के लिए पार्क टाइप का यहाँ पे भी पार्क है, ये भी बैठने के लिए। सदस्य जिला पंचायत मोहित नेगी जी ने यहाँ पे बनाया है, आप देख सकते हो। और बाकी यार लोकेशन तो बहुत अच्छी है। हम पहुँच चुके थे मंदिर के सामने, और मंदिर तो बंद है लग रहा है मेरे को आज, कोई नहीं दर्शन कर लेते हैं, हमें बंदर खुले से क्या मतलब, दिल में श्रद्धा होनी चाहिए भाई, चाहे बंद हो या खुला हो। अभी एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर ना श्रेणी लेके आया था, धूप बत्ती लेके आया था, तो यहाँ पर जलाएंगे कैसे समझ नहीं आ रहा यार, क्योंकि अंदर बंद है ना, क्या करें यार समझ नहीं आ रहा। एक काम करते हैं ना बाहर से जला देते हैं, और ऐसे मतलब श्रेणी चला देते हैं,
क्योंकि प्रसाद चढ़ जाएगा ना बाहर से ही, और मैं चाहता हूँ कि अपने दिल से यार कि यहाँ पर एक भी चलते हैं, प्रसाद निकालते हैं, सिरिणी चलाते हैं। ये भाई ब्लॉगर की कमी नहीं है, और यहाँ नाम लिख रहा भाई, ये क्या लिख दिया गोलू भाई, कैसा लग रहा आपको यहाँ पे आके? अरे ऐसा है मंदिर। हाँ एक काम करते ना, यहाँ पर सिरिणी विड़ी चला देते हैं और धूप जला देते हैं यहाँ पर से, और फिर उस सारे मंदिर पे जाएंगे, वहाँ पर भी चलेंगे ना। गाइस अभी हमने यहाँ पर मतलब पूजा वूजा कर लिया है और धूप चला ली यहीं से, तो सिरिणी भी चला ली अंदर, मैंने खुद ही चढ़ाई। तो अभी हम चलते हैं यहाँ से वापसी, और हमको जाना है उस वाले मंदिर पे, क्योंकि वहाँ पर भी थोड़ा पूजा पाठ कर लेंगे ना। और फिलहाल यार गाइस अभी इसको बैग में रख देते हैं, भाई इसको ना बैग में रख दे, बोलो बैग का चैन खोल लो। फाइनली अभी हमने यहाँ पर पूजा पाठ कर लिया है, हम चलते हैं उस वाले मंदिर पे, जैसे ही मैंने बोला था। तो यहाँ पर मंदिर बंद था ना, इसलिए यहाँ पर खुद ही हमको धूपबत्ती जलानी पड़ रही है, वरना यहाँ पर ना पंडित जी बैठते हैं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम भी जला सकते हैं अगर तुम्हारे दिल में श्रद्धा है ना भाई, अगर तुम भगवान के प्रति श्रद्धा रखते हो तो भाई जला सकते हो आराम से। तो चलते हैं उस वाले मंदिर पे। तो गाइस फाइनली यार यहाँ पर ना हमने पूरा जो है प्रक्रिया कर ली है, और अब हम चलते हैं यहाँ से, ये जो रास्ता जा रहा है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ, कम से कम ये अब कितने किलोमीटर का, 10 किलोमीटर ना भाई ते वहां पर। और अब ये हेवन, ओ पहाड़ को इंग्लिश में ही बोलते हैं, पहाड़ को इंग्लिश में माउंटेन, चेक करो भाई। भाई देखो ऐसी जगह आके दिल हो गया खुश, भाई यार कैसी लोकेशन है, यहाँ से हम आए हैं यार, नेचर की बात की जाए तो ऐसी लोकेशन मैंने कभी नहीं देखी, वहां तक कितने दूर दूर तक पहाड़ है यार, भाई कसम से यार एंजॉय कर रहे हो तुम लोग भी? भाई मैं तो बहुत एंजॉय कर रहा हूँ यार, आई होप कि आपको भी मजा आ रहा होगा ब्लॉग देखने में। और बाकी ये दो लोग हैं यहाँ पे, अब चलते हैं यहाँ से वहाँ उस वाली लोकेशन पे, बड़ा जंगल है भाई ये। और गाइस पता है एक बात बोलो, ऐ माता पार वो पहाड़ दिख रहा हो भाई, वो पता है इतनी दूर है ना, ऐसा लग रहा है वो दिल्ली मुंबई कलकत्ता मुंबई बद्रास होगा। बाकी भाई गोलू भाई को कैसा लगा पूछते हैं, गोलू मस्त भाई, कैसी लोकेशन है यार, लोकेशन बताओ, जबरदस्त। हेलमेट ले चलने यार, हेलमेट ले यार, रख रहे हो अबे यार कोई ले गया तो, ओ नहीं मेरा हेलमेट नहीं सूरी का है वो। तो गाइस हेलमेट ले चल रहे हैं यहाँ से, ये सुरेंद्र का राउत का हेलमेट है, रम्मी भैया का मोबाइल भी उनका ही, हेलमेट भी निकल आया मैं। तो भाई यहाँ पर देख रहे हो मतलब जो यहाँ पर कमेटी होगी ना इस गांव की, जो भी है ना यहाँ पर कितना अच्छा बना रखा उन्होंने, देख रहे हो देखो बैठने के लिए बना रखा है, और ये पंचायत भवन भी है यहाँ पे, और यहाँ पर जो खाना वाना बनाते ना ये भी सब यहाँ प्रोग्राम कर रखा है। एक बात बोलूं, रास्ता यही है ना पक्का, ऐसे लोकेशन पे जाने में ना बहुत अच्छा लगता है यार, और जब तुम्हारे साथ फ्रेंड ना तुम्हारे बेस्ट, उनके साथ जाने में कुछ और ही फीलिंग होती है भाई। तो यार एक चीज ये गलत है भाई, देखो ये चीज सबसे गलत है, मतलब यहाँ पर इतना कूड़ा फैला रखा है आप देख रहे हो, मंदिर परिसर में ऐसे काम करना बहुत बेकार है यार, तुम करते हो खाते हो मानता हूँ, तो एक पन्नी में पैक कर लिया करो ना, या तो एक डस्टबिन हो यहाँ पर उसका यूज करना चाहिए। तो इस चीज से ना भाई हमारा इंडिया बहुत पीछे है कसम से, हेमू यार ऐसी गंदगी नहीं करनी चाहिए ना वैसे, मतलब देख रहे हो इतनी अच्छी जगह पे नेचर पे आप ऐसी गंदगी करते हो, तो मानता हूँ हमारे गाँव में भी होता है लेकिन ऐसा नहीं होता यार। तो गाइस प्लीज यार तुमसे रिक्वेस्ट है, मैं जो भी ये ब्लॉग दिख रहा ना भाई संदेश देना चाहता हूँ कि प्लीज ऐसी गंदगी कभी ना करें। आप लोग कहीं पे जाते हो एडवेंचर करने, कहीं पे ब्लॉग करने जाते हो तो कूड़े का ध्यान रखो अक्सर। तो अभी चलते हैं यहाँ से, भाई देखो मेरी बात सुनो भाई, ऐसी जगह मत जाओ यार गोलू भाई, ऐसी जगह पे जाओगे ना आप तो बहुत रिस्क है यार, देख रहे हो एक तो मेरे जूते ऐसे ना कभी भी स्लिप हो सकते हैं भाई। फाइनली गाइस अभी हम यहाँ पहुंच चुके हैं, और हम वहां से आ रहे थे नीचे को, और गोलू भाई ब्लॉगिंग कर रहे हैं आज यहाँ पर ऊपर। हाँ आधे में तो आ गए भाई, भाई कम से कम 40 मिनट लग गए। अभी पूछते हैं अपने दोस्तों से उनका हाल क्या है, भाई कैसा लग रहा है? अरे भाई मजा तो आ रहा है लेकिन पैर खिंच गए मेरे। कालो किस मारे ली माई बांधे कोरी बाना, इमलाई हृदय रैली माई बीता। हम पहुंच गए हैं दूसरे मंदिर में दोस्तों, वहां से आए हम, हमें कम से कम आधे घंटे से ज्यादा हो गया। जय भगवान। दोस्तों क्या शानदार नजारा है यहाँ से, और ये बहुत ही शानदार जगह है, टॉप मंदिर में से एक है,
घूमने के लिए। इस जगह से बहुत ही अच्छा नजारा दिखता है। और बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही प्यारा। और यहाँ ठंडी ठंडी हवाएं बहुत ही अच्छी चल रही है दोस्तों। वो पीछे उस जगह से आए और संतोष भाई यहाँ पे धूप अगरबत्ती करेंगे। तो हम आ गए हैं मंदिर से दर्शन करके। सफर तय करने के बाद हमें थोड़ा भूख लगी, क्यों ना हमने कहा कुछ खा लिया जाए। और संतोष भाई कुछ सामान लाए थे खाने के। ये दोस्तों मेरी कोल्ड ड्रिंक संतोष भाई और कोल्ड। सो गाइस, अभी चल रहा है हमारा लंच। हम खा रहे कुरकुरा, कोल्ड ड्रिंक और ये बिस्कुट है। इस किसी काम तो आई बड़ा यार तेरे संग के पार्टी टाइम। सो गाइस यार फाइनली एंजॉयमेंट तो हो ही गया है और पूरा ट्रैवल भी कर लिया हमने। तो अब एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा खाते पीते हैं इसको और इसको थोड़ा इकट्ठा करेंगे कूड़ा वूड़ा में, साथ में सब कूड़ा एक साथ फेंकेंगे यहाँ पे, घर लेके जाएंगे वहीं डालेंगे अपने घर के यहाँ पे मतलब नदी के किनारे। क्योंकि भाई कूड़ा में ऐसे खुले में कभी नहीं फेंकना चाहिए यार, है ना। उससे ये होता है कि गंदगी इतनी होती है और इतनी अच्छे लोकेशन पे हम आए हैं तो यहाँ पर कूड़ा फैलाना अच्छी बात नहीं है ना। अभी हमने खाना वाना खा लिया, यहाँ पे नाश्ता कर लिया, भारत हेमू कर रहा है सब घट्टा, ठीक है। देख सकते हो यहाँ पर हमने पूरी सफाई कर दी है और इसमें भर दिया, उसको फेंकेंगे नीचे कहीं। दोस्तों टाटा बाय बाय बोलते हैं सुंदर से जगह को। संतोष मोबाइल क्या तेरा ब्लॉग बनना मेरा। अच्छा मोबाइल। यहाँ से आप नजारा देख लो, ये वाला कितना मस्त लग रहा है ना। यहाँ पे देखो कितना गहरा है, वो मंदिर दिख रहा है वहाँ से उस रोड के नीचे। सो गाइस फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं रोड पर और हम आ रहे हैं यहाँ से। देख रहे हो ये जो मंदिर दिख रहा है यहाँ पे, यहाँ से हम आ रहे हैं। और आप देख सकते हो लेमन ट्री के अंदर से जा रहे हैं ना, ये यहाँ पर ये इसका हॉल है और यहाँ से मार के हैं क्योंकि वाल रास्ता बंद है ना इसलिए। भाई लोकेशन देखो कितनी अच्छी है ना। अभी हम पहुँच चुके थे अपने घर पे और कपड़े वपड़े चेंज कर दिए, तो अब देखते हैं क्या करते हैं, क्रिकेट खेलने जाते हैं। इस वाले ब्लॉग को ही एंड करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। आई होप कि आपको हमारा ट्रैवल पसंद आया होगा। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में, ठीक है।